Hi everyone, welcome to Easy Competitive Classes. In this video we will discuss the OMS mock test 1 ro part 2, okay, part 3. तो फाइनल पार्ट ये रहिबो तो ऑलरेडी हमें 1 टू 70 क्वेश्चन जे डिस्कस करथिलु राइट तो आउ रिमेनिंग जो 30 क्वेश्चन थिला तो ता ऊपर हमें इथे डिस्कस करिबा ओके सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट 71 रो देखिबा राइट तो 71 इथे कोन कहि छे सिंपल अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ओके अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट ट्रायल ओके तो गोटे लोक को वन टाइप ऑफ जदि से कहा हो अरेस्ट करा जीव विदाउट ट्रायल तो केते मास पर्यंत से दिया है ऑप्शन रे ओके तो 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ तो ऑप्शन एठी रहला ओके तो ए कथा कहा है तो गोटे कथा साप जे जों प्रिवेंटिव जो डिटेंशन रहला ताता माने कौन प्रिवेंटिव डिटेंशन कहले सिंपल जोटा कि हूँ गोटे अटक रखा जाए ना गोटे लोक सपोज ये हूँ गोटे लोक राइट तो या कहे सपोज विथाउट मानने ट्रायल रे विथाउट ट्रायल बा विथाउट जदि मुझे कहि कन्वेंशन रे कोर्ट द्वारा तो ताको अटक रखा जाइए तो दैट इज से आर्टिकल तुम ये है संविधान रो आर्टिकल केते रे संविधान 20 रे होची मेंशन अछि राइट तो सेठ भी किसी कथा कह बढ़िया आप जानते जमी यार ये अटक रखे माने हूँ कौन गोटे लोक को जिते धर जाए वन टाइप जब डिटेनसन कौच डिटेनसन कौन कर काढ़े सी जब वन टाइप फ्यूचर में किसी मानने अपराध करपे कि आशंका जिते बड़े रोज कि धर जाए मुझे नियर फ्यूचर जेटा कहुए आगामी भविष्य में जेटा कह जाए किसी जदि क्या सन्देह लगेगा तेल ताकू रखा जाए दि प्रकार डिटेनसन रही आर्टिकल 22 रे जानी थो सॉरी 2020 कहली 20 आर्टिकल 20 रे कौन दिया है तुम्हार 20 रे सिंपली हूँ जो तुम हूँ प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंसेस कथा दिया है 20 रे ओके आउ 20 जो 22 कथा जो कहे ओके तो ये हूँ दुईटा गोटे लोक को डिटेनसन ये दुईटा जिनस रखा जाता है जमी कौन प्रिवेंटिव डिटेनसन आउ गोटे हूँ पुनिटिव डिटेनसन कथा पुनिटिव डिटेनसन धर जाऊ गोटे लोक को अटक रखे तार जे पूर्व जे धर जाए अपराध कर वन टाइप अफ जब आम से अनुजाई के दंड दे हेबन मैं दैट इज कहुए रेट्रो स्पेक्टिव इफेक्ट तुम जो कहुए राइट तो ये हूँ से आकार कि नुहे तो सिंपल तो 28 बुझ तो ये कहुचे कौन पाई वन टाइप ऑफ अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ए पर्सन कैन अरेस्टेड विदाउट ट्रायल फॉर हूँ के 3 मंथ ओके तो ये हूँ ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर आई होप ये हूँ क्लियर हो तो नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट ये कौन कहा 72 कहा पंचायती राज सिस्टम ओके पंचायतीराज सिस्टम इन इंडिया इज लेड अंडर कह मानने रही था ऑब्वियसली जेहेतु आम जानचे पार्ट आई भी रे से दिखाई है ना आर्टिकल तुम रोचे के 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत कथा ठीक दैट इज डीपीएसपी रे जीवो डीपीएसपी ओके तो ऑप्शन नंबर सी हो जीवो इठी करेक्ट आंसर तो ये हूँ कथा आउ किछ नहीं सिंपल स्टेटमेंट थिला ता ऊपर आउ किछ कहिबार नहीं ओके देन नेक्स्ट देखिबा 73 ये सब पीडीएफ अच्छे डिस्क्रिप्शन लिंक रे तो से डाउनलोड करेंगे किसी प्रॉब्लम नहीं तो ये हूँ कौन कह हाँ 73 कौन कहा ना हु एमंग द फॉलोइंग इंक्लूडेड इलेक्ट्रिकल कॉलेज अच्छा इलेक्ट्रिकल कॉलेज ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कथा कह प्रेसिडेंट इलेक्शन नॉट इंक्लूडेड सॉरी इंक्लूडेड कह नॉट इंक्लूडेड तो इंक्लूडेड किए मन हो पारे किसी नहीं जदि देख इंक्लूडेड कथा तो क्यों मन हो पारे प्रेसिडेंट रे इलेक्शन कथा कहले फर्स्ट आर्टिकल 55 कथा होचे माइंड को आसा दरकार राइट आर्टिकल 55 कथा होचे माइंड को आसा दरकार फर्स्ट होचे देखो जेमते तुम इलेक्टेड मेंबर सब रही पारे हो जे केउट कर बोथ हाउसेस वन टाइप जे देखिबो पार्लियामेंट ठीक आ जदि बे लेजिस्लेटिव असेंबली कथा कहि पारिबो यूनियन टेरिटरी जे दिल्ली पोंडिचेरी इगा इंक्लूडेड रही थन सब ठीक किंतु ए जे लेजिस्लेटिव काउंसिल ता देखिबो ये इंक्लूडेड न थाय बोधे ओके तो ऑप्शन डी हि जेबो इठी मोर एप्रोप्रिएट आंसर आई होप ये हूँ क्लियर रहा देन नेक्स्ट जीवा कारण टे बहुत गुड़ा क्वेश्चन अच्छे लेंदी ही जीवो ओके देन हूँ 74 ये कौन कह 74 इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग टू द अपर हाउस कहे कौन राज्यसभा ऑफ द पार्लियामेंट तो ये कौन हम से जिनसा जदि से इफ कही ठीक इफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग टू द अपर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ताल कौन हम जिनसा ठीक
तो सिंपल देखो गोटे जिनस यहाँ हूँ क्वेश्चन जब देख ये हूँ मुझे कही दूसरे डायरेक्ट मोर ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन फेवर इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कारण नो कॉन्फिडेंस मोशन उपरे भी कही पूर्व ठीक ना ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन ये ऑप्शन ए हो मोर एप्रोप्रिएट आंसर राइट तो ये नो कॉन्फिडेंस जान आर्टिकल आर्टिकल 75 जो रहा ये से कौन कहे ये जो संविधान आर्टिकल 75 अच्छे जहाँ भी तुम कहे मानते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितकी भी सरले सी ओ एम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये कलेक्टिवली रेस्पोन्सिबल का रही है लोकसभा ओके तो से कथा ये रही है तो ये जी से कही जदि प्राइम मिनिस्टर हो तुम हो अपर पार्लियामेंट अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जी मेम्बर रही है कौन हम तेल से ऑब्वियसली माने नो कॉन्फिडेंस मोशनटा गोटे जी देखिए कौन सिंपल हो फॉर्मल पार्लियामेंटरी जो मोशनटा रही था जेटा लोकसभा डिसीजन रे ठीक ना नहीं तो अपोजिशन से तो जदि मेजोरीटी कर बोली यू जिन रहा कहीं ये ऑप्शन ए जो ये करेक्ट आंसर ओके देन आम नेक्स्ट जी हूँ 75 75 कौन अच्छे ना सिंपल अच्छे ये हूँ क्वेश्चन देखो द रिपोर्ट ऑफ द हूँ काज जो रिपोर्ट रहा कहार काजर सी ए जी काज ओके तो रिपोर्ट रिपोर्ट ऑफ द काज रिलेटिंग टू अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड सबमिटेड फास्ट ऑफ ऑल अच्छा क्या प्रथम हो दे था रिपोर्टा ह्विज ऑफ द फॉलोइंग मानक भितर क्या से रिपोर्ट प्रथम जहाँ भी ऑडिटिंग ये रही से रिपोर्टा हो क्या सी दे था पंडे बोटे कहा हो राइट तो सिंपल प्रेसिडेंट को आगे दि जाए राइट प्रेसिडेंट को दि जाए यहाँ कौ आर्टिकल मेनसन हो आर्टिकल जदि देखा ये कौ आर्टिकल मेनसन हो आर्टिकल 151 तो संविधान रे इटा होचे डायरेक्टली मेंशन होई छे जे कोन जहाँ भी काज होचे ऑडिटिंग करले रिपोर्टिंग माने रिपोर्ट प्रिपेयर करला परे से रिपोर्टा सबमिट करबे प्रेसिडेंट को पुणी प्रेसिडेंट सेटा होचे जदि देखिबो पार्लियामेंट रे निजे वन टाइप ऑफ ए करबे ताको उपस्थापन कर देबे तो दैट इज रहउचे ये होचे इंपोर्टेंट कथा तो एठी ऑप्शन नंबर डी हे जेबो करेक्ट आंसर राइट देन नेक्स्ट जेबा हम 76 कौन कहा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ओके डिस्गाइज्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स कौन तो मैंने कौन ये पचरा है सिंपल ऑप्शन ए रे कौन दिखाई ऑप्शन ए रे दिखाई देखो लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट क्लियर तो बी कौन कहा अल्टरनेटिव हाँ सॉरी अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल ये कथा कहा तो मान्य पचार किसी नहीं देन देख मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो ऑब्वियसली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ मानने जी देखा लेबरटा जीरो हो अरे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंटा से कौन टा कि ये किसी इफेक्ट ही तुम पकई ना एग्रीगेट जदि तुम्हें देख तुम इकोनोमिक आउटपुट उपर एग्रीगेट जो कहे इकोनोमिक आउटपुट उपर ये हूँ किसी ये पकई ना राइट यहीटा हूँ जब देख मोर आप्रोप्रिएट हे डिस्गाइज कहे बड़का जेटा रही था जे जगार हूँ पाँच जन वन टाइप कम होगा कथा से दस कम करुवे सेमती किसी ना देखा जाऊ बाहर होजिबल हो के भाया एम्प्लयड भाया ना कम ठीक ठाक चली कितु जदि इन कर देखो से जगह मैंने वन टाइप कहि जब एक्चुअली से अनएम्प्लयमेंट रही था यहाँ सिचुएसन तो हिडेन ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लयड आम भी कहीपर दैट इज रही हिडेन हिडेन अनएम्प्लयमेंट आम कहीपर जिनसा बुझेगा तो केत भी कमी क्वेश्चन रही था कहली यहाँ हूँ डायरेक्टली डिस्गाइज्ड अनएम्प्लयमेंट इज योर नाइ सरी इज अनएम्प्लयमेंट जोटा कि तुम कौन किसी प्रभाव ही पकई ना जोटा एग्रीगेट आउटपुट उपरे तो दैट इज रोच मेन कनसेप्ट रोचे ठीक आ कि नहीं दे 77 देखा 77 ये कौन कह कनसीडर द फलोईंग कनसीडर द फलोईंग इवेंट एरेंज द क्रोनोलोजिकल अर्डर अच्छा अच्छा क्रोनोलोजिकल अर्डर में कौटा के सजेगा ओके तो गरीबी हटाओ समस्ते जान ये कौन गरीबी हटाओ देश बचाओ ये भाया आंदोलन था ठीक ना नहीं गरीबी हटाओ देश बचाओ ये किए करते इंदिरा गांधी हूँ स्लोगानटा देते ठीक ना जितेबाद से इलेक्शन कैंपेन जे 1971 जिते इलेक्शन कैंपेन करुले तो से समय माने स्लोगानटा वन टाइप कही पार थीमटा ये जिनसटा देते कौन गरीबी हटाओ देश बचाओ ये भाया था स्लोगान ओके तो दैट इज रोच रिमूव पॉवर्टी सेव द कंट्री ये भाया था ओके देन हूँ बैंक नेशनलाइजेशन बैंक नेशनलाइजेशन जब आम कथा देखा ये 1969 जिते बी से प्रधानमंत्री के इंदिरा गांधी ये अनाउंस करते से बैंक नेशनलाइजेशन करवाई अराउंड कैसे बैंक नेशनलाइज होता 14 बैंक ओके तो यही हूँ कथा देन हूँ देखा
बिगनिंग ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन समस्त जानते सबुज विप्लव जो ग्रीन रिवॉल्यूशन तो प्रथम आरंभ होता अराउंड हूँ 1967 रो कंटिन्यू के जारी रही है तुम रोचे 1978 ना 79 पाखापाखि जाए कंटिन्यू था तो ये क्रोनोलॉजिकल जब देखा आग हूँ 67 टा आम ना देन हूँ 69 आसव देन हूँ 71 आसो ओके तो हेयर विल बी राइट आंसर कौन ना ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर 3, 2, 1 आई होप क्लियर होके तो आम नेक्स्ट जी नेक्स्ट कौन कह नेक्स्ट अच्छे सिंपल दिखाई देख हुई वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रो साइन कौटा एम भितर किसी दिखाई इकोनॉमिक ग्रोथ रो साइन कौटा हो ओके तो प्रथम ऑप्शन एक पढ़ो ये कौन दिखाई ना एन इनक्रीज इन नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस ड्यूरिंग ए ईयर ओके तो कांस्टेंट अच्छा कांस्टेंट प्राइस कहे ना ताहले देखो ये हूँ एनएनपी वन टाइप आम यहाँ बुझीपर नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस जो कौन नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस तो ये हूँ कौन ये जो देख अफेक्टेड जी मुझे कहे माने ओनली वन फैक्टर को अफेक्टेड कर राइट जिते बड़े तुम फिजिकल आउटपुट उपरे चेंजेस हो फिजिकल आउटपुट उपरे जिते बड़े भी चेंजेस हे सी से तुम ओनली वन फैक्टर को सी जेटा मुझे कहली मानने अफेक्ट कर राइट तो ओब्वियसली जिते बड़े राइज हे कि प्राइस रिते बड़े जो देखो मुझे कहली फिजिकल आउटपुटा जिते बड़े जब राइज हे तो प्राइसटा होते तुम कौन होन टाइप जो देख से कन्स्टांट बा फिक्स्ड रही था तो यही सेन्स में बुझीपार ये के हेनी इकोनोमिक ग्रोथ पाई राइट नेक्स्ट देखा नेक्स्ट कौन कही ए सस्टेंड इनक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम राइट ये मोर अप्रोप्रिएट लगुच अपेक्षा ओके तो या को रख देन हूँ ये कौन कौन ऑप्शन नंबर सी ना एन इनक्रीज इन नेशनल इनकम एट करेन्ट प्राइस ओवर टाइम छाड़ देन एन इनक्रीज इन नेशनल लेवल नेशनल इनकम एलंग विथ द इनक्रीज इन द पपुलेसन ओके तो बेकार कथ तो ऑप्शन बी आसीज ये करेक्ट आंसर राइट तो आई होप ये हूँ क्लीयर हो तो सेम कि नाला ओके देन 79 जी तो मैचिंग कर सब जिन ओके देन 79 ये कौन अच्छे हु एमंग द फॉलोइंग्स बेनिफिट फ्रॉम इन्फ्लेशन कहले कौन जो तुम महंगा कहुचे ओके तो महंगा जिते बड़े हम प्राइस बढ़ी जाए ठीक ना ना प्राइस रोचे प्राइस सब हाइक रही था बढ़ी जाए तो यही समय कौ मैंने बेनिफिटेड रे क्या कही ऑप्शन डी आड़ जावा महंगा समय कहूनी इन्फ्लेशन कौन एसबू जिन पूर्व कही ठीक ना तो ये जी देखा गवर्नमेंट पेनसनर के गवर्नमेंट रेनसन जी पाँच तो सी के बेनिफिट हे कि इनफ्लेसन टाइम के ठीक ना ना देन जी देखा सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर ये भी के हेनी तो ये दुईटा कन्फ्यूज करपे क्रेडिटर आज डेटर जो कह जाए तो धार देव जी आधार नि तो आ गोटे कथा कहीदे ये जे इनफ्लेशनटा देख सिंपल सिंपल भाषा कहले कौन इनफ्लेशनटा तुम जिते बड़े देख या डेटर को बेसिक वन टाइप जी देख बेनिफिट आनी थाए केमिका से अधिक मनी आहरी वन टाइप जी देखे लोक मैंने कौन कहते अधिक रू अधिक मनी मानने चाहे था से समय जदि कह ठीक ना ना तो जहाँ भी हो प्राइस लेवल जिते बड़े कमोडिटी बढ़ी जाए तो से अधिक रू अधिक चाहिए था तो यही सेन्स भी देखिए जी डेटर बेनिफिट रु कितु जदि गोटे कथा कह इक्विटी होल्डर ओके इक्विटी होल्डर्स आउ कि तुम जी इन्वेस्टर मान कथा कह इन्वेस्टर्स ओके ये दीज ए मेनली जी देख माने यही समय जी देखिए आम जी इन्फ्लेशन समय कौन होता है धर जाए ये लोक हूँ किसी सेयार भी रखी ओके किणिकिना तो या पाखे किसी सेयार अच्छे तो ये सेयार जदि सी ए टाइम बिकब वन टाइम लाभ मैंने मानने क्षति हे तार तो सही कथा ये सही सेन्स कथा जहाँ भी बंड हो गोटे लोक जिते बड़ी कि मानने तार पाखे रही स्टॉक हो बंड हो सब कंपनी जहाँ भी गेन होता है ना तो इन्फ्लेशन समय ओके तो कंपनी से लोक कहे कंपनी ही गेन कर राइट ये हूँ कथा आ किसी नहीं तो इन्फ्लेशन ब्रिंग आदि देख आनी था कहार उपर मैंने बोरर जे डेटर उपर जो कौचे बोरर उपर से आनी था बेनिफिट राइट तो ऑप्शन नंबर ये कौन बी हो मोर अप्रोप्रिएट आई थिंक ओके देन नेक्स्ट जी ये कौन कह कंट्री सेट टू बी ए डेट ट्रैप ओके डेट ट्रैप के गोटे देश को आम कह गोटे देश को केते बेले डेट ट्रैप कह तो डेट ट्रैप कहले कौन बुझ सिंपल ये देख ऑप्शन पज कर पढ़ी पार डेट ट्रैपटा कहले गोटे यहाँ गोटे सिचुएसनटा जेटे कौन होता है गोटे मैंने मुझे सपोज ये हूँ बेट ट्रैप अच्छे तम मैंने कौन तो बेट ट्रैप कहले हूँ
सिचुएशनटा फोर्स करथे गोटे वन टाइप ऑफ न्यू लोन किंबा से जहाँ भी तुम्हें पुराना लोन नहीं थो बर रिपेमेंट भी मध्य करि नथिबो किंतु आहुरी तापर भी लोन ले जाइल थो डेट ट्रैप रे फसे दिया जाय जे बेले चाइना ना के जेउ श्रीलंका को डेट ट्रैप रे फसोतला सेही भलिया ए जिंस तो बुझो इटे कंट्री रे जते बेले हमें डेट ट्रैप कथा कहबा ताले सेटे कोन होबो ना इट हैज टू बोरो टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन तो ये आसीजो होची करेक्ट आंसर ओके तो आउ ए पढ़ूनी ऑप्शन नंबर बी पढ़ी पारे ये सब जिनस ओके तो आई होप ये हूँ क्लीयर रहा सेम ना ये देन 81 जब आम 81 कौन कहुचे ना हाँ किसी आसर दिखे रिजन दिखाई ओके तो कहुचे फिजिकाल ना फिजिकाल डेफिसीट इज ग्रेटर देन बजेटरी जो तुम डेफिसीट ठार अधिका ठीक अच्छे पॉइंट ठीक ना ना रिजन कौन दिखाई ना फिजिकल डेफिसीट इज बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस प्लस अदर लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट जहाँ भी हो खर्च को पूरण एक्सपेंडिचर को जहाँ भी खर्च रही है तो पूर्ण करने वन टाइप ऑफ क्या पाखु आरबीआई पाखु उधार नहीं थे किंबा आउ तुम रोचे अदर गवर्नमेंट जो लायबिलिटी जहाँ भी रही है तो तापर रही है ओके तो आउ फिजिकल डेफिसिट कौन कहूनी सिंपल देख बुझ फिजिकल डेफिसिटा कह मानने डिफरेन्स कहार भितर जब देखो फिजिकल एफ डी कहले कौन आउ थे कहीदे एफ डी फिजिकल डेफिसिट कहले कौन बुझे रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस जो कही नॉन डेप्ट गुड़ा कैटेगरी भी करदे ठीक ना नहीं नॉन डेप्ट जो क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट गुड़ा ओके सेठ पुणी माइनस हो तुम टोटल जो एक्सपेंडिचरटा टोटल जहाँ भी खर्च एक्सपेंडिचर कथा कही जो माइनस हो जिनसटा कथा कहला सिंपल भाषा कह मैंने टोटाल जे रेवेन्यू आउ कि तुम जो वनटा भी कौन कहे टोटाल रेवेन्यू आउ टोटाल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट रो गोटे फिजिकल फाइनेंशियल गोटे इयर भितर जहाँ भी तुम डिफरेन्स आसता है तो बुझे फिजिकल डेफिसीट कहुई थे राइट तो जिते बड़े ये एफ डी टा फिजिकल डेफिसीटा एफ डी फिजिकल डेफिसीटा जिते मुझे बढ़ी जाए क्लीयर तो से कौन होता है से गवर्नमेंट गवर्नमेंट रान टाइप तमें हूँ खर्चटा गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचरटा जब देखा आहरी अधिका होता है तो रेवेन्यू जहाँ भी आय अपेक्षा आहरी अधिक होता है सिंपल भाषा ओके तो वन इयर भितर तो गिवेन माने जहाँ भी रोहब तो कैलकुलेट करा जाए तो ये दुईटा पॉइंट ठीक अच्छे किसी प्रोब्लेम नहीं ओके तो देखिए जी ये फर्स्ट पॉइंट अच्छे बजेटरी डेफिसिट टू भी अधिक रही था ग्रेटर देन जी देखिए सेकंड पॉइंट भी ठीक अच्छे किंतु ये एक्सप्लेन करुचे कि केवे नहीं 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 तो देख ऑप्शन बी आसी जब ये करेक्ट आंसर ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी 100 क्वेश्चन ये कम्प्लीट करवा पड़ो रईट तो अलरेडी दुईटा पठाई यार देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं बारंबार कहते फिजिकल पॉलिसी कथा राइट ना नहीं मॉनेटरी पॉलिसी के आरबीआई फिजिकल पॉलिसी कहले हूँ गवर्नमेंट दुईटा हूँ जानवा दरकार ठीक ना नहीं फिजिकल पॉलिसी जब आम देखा तो एम गुड़ा ये पचारे ऑब्जेक्टिव कथ पचारे एम भर कौटा नुहे ये कही तो केवे भी देख फास्ट कथ ऑब्जेक्टिव कौन इकोनॉमिक ग्रोथ भी हे प्राइस स्टेबिलिटी मान प्राइस को के भाया स्टेबिलाइज करके रखा दरकार के भाया एम्प्लॉयमेंट निजुक्ति हो तो ये उपरे रही था केवे भी इंटरेगुलेसन ये हेनी ओके तो ये केवे भी हेनी तो ऑप्शन नंबर सी हो मोर अप्रोप्रिएट आंसर हो जाए तो नॉट कही ओके तो जानवा कथा हूँ फिजिकल जदि पॉलिसी जदि मुझे कहि इंडिया तेल तार एम कौन तो मेनली सी हूँ मानने बढ़ी थाए कौन कौन जिनस तुम रोचे क्वालिटी ऑफ माने जहाँ भी जो फंड रहा वन टाइप जो कह तो वेरियस माने बहुत प्रकार हो गवर्नमेंट प्रोग्राम रोचे ठीक ना नहीं गवर्नमेंट प्रोग्राम कहीपर स्कीम कहींपर जै थ्रो रोचे तुम भी किसी आहरी टैक्सेस भी रिलेटेड भी स्कीम रही है किसी किसी तो जहाँ भी फंड रहा ये फंड जी तू बढ़ चल तो या को भी नहीं कि तुम्हें बुझीपर के भाया हम तो ये ढांचार भी बुझ ओके तो ये हूँ सिंपल जी देखा ऑप्शन नंबर सी आसीज ये करेक्ट आंसर आज किसी ना ओके देन नेक्स्ट जी आम ये नेक्स्ट कौन कहा 83 ये किसी नुहे ये पचाराई क्रेडिट तुम कंट्रोल क्रेडिट उपर कह आरबीआई रो आरबीआई दुई प्रकार रही है ठीक ना नहीं तो इनक्रीज सेयर ताले ये कौन हम इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट ओके इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट आरबीआई कंट्रोल क्रेडिट कहले कौन सिंपल हो जहाँ भी हो मानने मनी सप्लाई को कंट्रोल करने बुझ ओके तो इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट ताले आरबीआई सुड कौन करवा उचित क्लियर ये कथा कहा आरबीआई ओब्वियसली से इनक्रीज जब बढ़े देव सेयर रेटा को आरबीआई जब बढ़े देव ताहले आउ जब बैंक रेट को बढ़े देव ताहले ऑटोमेटिकली से आड़े कंट्रोल हो ठीक ना ना तो दैट इज हूँ मोस्ट आउ कहूनी ये हूँ बेस्ट जिनस गुड़ा मनी सप्लाई रो जानी थो समस्ते ठीक ना ना
देन ये आम जब देखा नेक्स्ट 84 डिवल्यूशन डिवल्यूशन ऑफ करेंसी मीन्स कौन डिवल्यूशन कहूनी मुझे डेप्रिसिएशन कौन डिवल्यूशन कौन गोटे डॉलर जिते सतुरी टाँग थी गोटे डॉलर जिते षाठी टाँग हम करना सब जिन बुझे ना ना तो ये से सिंपल पचरा है तो नहीं आम से कनसेप्ट को जवा डिवल्यूशन ऑफ करेंसी मीन्स ये कौन तो डिवल्यूशन ऑफ करेंसी मीन्स फर्स्ट पॉइंट कौन दिखाई रिडक्शन रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी भाय मेजर इंटरनेशनली ट्रेडेड करेंसी तो करेक्ट आस किसी प्रॉब्लम नहीं ठीक ना नहीं तो ये जदि आम देखा सिंपल भाषा डिवल्यूशन ऑफ डिवल्यूशन के जो डिवल्यूशन मुझे कहि डिवल्यूशन के जितेबाला कंट्रीर सेंट्रल बैंक वन टाइप जब देख तो कौन कर जो कॉन्शियस डिसीजन टाक जिते बड़े लोअर कर देता है एक्सचेंज रेट ये ओके तो फिक्स्ड आउस जमी मुझे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हो कि तुम सेमी फिक्स्ड जहाँ भी रहा एक्सचेंज रेट तो यही सेन्स बुझाई थी ओके डेप्रिसिएशन कहले कौन से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आसी तुम्हारे तो सिंपल कॉन्सेप्ट था ये ऑप्शन ए आस करेक्ट आंसर ओके तो अटेंड कर पीडीएफ भी ना डिस्क्रिप्शन लिंक रे अच्छे ओके देन हूँ ऑप्शन ये हूँ गला देन हूँ आम जा 85 जा क्वेश्चन नंबर 85 ये कौन कहे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा आर आई डी एफ ओके आर आई डी एफ ये कथा कहुई रूराल इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इज बिंग फाइनान्स्ड बाय कहा द्वारा हो फाइनान्स कराइए सिंपल क्वेश्चन ये हूँ आर नाबार्ड द्वारा हूँ तुम ये कराइए ये आर डी एफ रुद कह यार एमटा कौन आर डी एफ रमटा कौन आर डी एफ रमटा कौन से किसी ना ये जहाँ भी ये मेन ऑब्जेक्टिव फंडटा रोचे तो से पी एल आर ना कौन थे प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग जो मैंने टारगेट फिलअप कर पार ना कौन ना तो से आपको भी दिया कर दिया जाए तो आर डी ए फंडटा कथा डिस्कस भी होता है पूर्व आम ठीक ना नहीं तो ये हूँ फंड रोचे काम कौन यही फंड रोचे से प्रोभाइड कर लोन वन टाइप ऑफ प्रोभाइड जी कह लोन लोन फैसिलिटी किंबा स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर लोन बुझे कि सेमी ओनर जो कॉर्पोरेशन गुड़ा जो रही है सेमी ओनर कॉर्पोरेशन गुड़ा कॉर्पोरेशन तो ताको से दे था तो एनाबल वन टाइप ऑफ जी कह कौन ये रूराल इनफ्रास्ट्रक्चर जहाँ भी अनगोइंग प्रोजेक्ट हो तो भी ये काम रही है तार तो देट इज ये रोचे ऑप्शन नंबर ए विल बी मोर अप्रोप्रिएट एयर ओके देन 86 जीवा 86 कौन कहा 86 देखो 86 रे हाँ हुज ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस मानक भितर कौटा कही नोट कही नोट एंड आउटपुट मैंने इनपुट डिवाइस कौटा तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस समस्त जानते देन हो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस प्रिंट करते प्लॉटर आउटपुट डिवाइस लाइट पेन ये हूँ इनपुट डिवाइस ओके तो ऑप्शन नंबर डी विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट देन हूँ आम 87 जावा 87 कौन कहुई सिंपल 87 ये कौन कह कि ऑर्गेनाइजेशन दिखाई हेडक्वार्टर देखिए ओके पूर्व कहीदे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रो गोटे 20-25 मिनिट आई ना के भाई मिनिट्र भिड गोटे अच्छे प्लेलीस्ट जाए देख पार तो से भिडटा हो कौन तापर बेस मुझे डिस्कस कर दे तो जिते बड़े भी जहाँ क्वेश्चन आइए सोलवर मैंने जमीका हो जो हेडक्वार्टर रिलेटेड हो कि चेयरमैन कि लाटेस्ट मेम्बर कि भाया एड हेल्ले कि तार थीमटा कौन कौ देश रही आकार में गोटे भिडटा करते तो प्राय काम दब देखा मैंने भी ओके तो ये हूँ कथा ऑर्गेनाइजेशन ये हूँ देखो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ कथा कहु आईएलओ हूँ जेनेवारे अच्छे ठीक अच्छे तो इंटरनेशनल मेरीटाइम जब तुम जब देखा ऑर्गेनाइजेशन लंडन रे अच्छे देन आईएमएफ तो कौटी वाशिंगटन डीसी अच्छे देन हूँ आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेन्सी जो देखा ये हूँ न्यूयॉर्क देखिए न्यूयॉर्क कमी हम ये भिएना रे अच्छे भिएना ओके भिएना कौटी ऑस्ट्रिया रे तो दैट इज रोचे ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर हो जेहे नॉट हो करेक्टली मैच कथा कह जाए ओके तो आम हूँ नेक्स्ट जावा नेक्स्ट हूँ कौन कहुई 88 हॉटस्पॉट क्या कहुए केसेंट हूँ एरिया हूँ लॉस हेल्ले स्पेसीस हॉटस्पॉट हूँ मानने डिक्लेयर कराए कि क्राइटेरिया तार गोटे जगह को हॉटस्पॉट बोली घोषणा कर क्राइटेरिया कौन कौन कथा भी कहुई तो ये पचाराई हॉटस्पॉट कौटा हम ठीक अच्छे तो हॉटस्पॉट जो चार्टा जो कथा भी देखे ये जी आम देखा तो कौटा हो हॉटस्पॉट को सिंपल तो ईस्टर्न घाट आसीज वेस्टर्न घाट आसीज राइट तो ऑप्शन सी आज सी आसीज ऑप्शन सी करेक्ट आंसर देन आम 88 गल 89 जावा 89 100 अच्छे कंप्लीट करदे ये भिडियो जमी ओके देन 89 ये से पचारे कौटा हो व्हिच सेट ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कौ गैस गुटा मोस्ट इंपोर्टेंट कथ कहुच तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आउ कौन मिथेन
CH4 मिथेन आउ कौन मिथेन नाइट्रस जो ऑक्साइड तुम रहा ओके नाइट्रस ऑक्साइड वाटर वेपर तो मोस्ट सी आसीज आज जी मुझे कह ग्रीन हाउस गैसेस कौगुड़ा जो ग्रीन हाउस गैसेस कहुगुड़ा कौगुड़ा अच्छे तो ओब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन नाइट्रस ऑक्साइड वाटर वेपरटा गोटे कथा हाँ आ गोटे कथा फीडबैक गोटे क्वेश्चन आसे के फीडबैक ओके फीडबैक हाँ फीडबैक आइए तो फीडबैक कहले कौन ये वाटर वेपरटा जो कहल वाटर वेपर तो ये वाटर वेपरटा केते बेले माने रेस्पोंड करते फिजिकली चेंजेस केते बेले आइथो किबा जे तुम वन टाइप ऑफ केमिकली चेंजेस जे टेम्परेचर अनुसार से चेंजेस रही थाए तो से जिनसोटा को बोते फीडबैक कहा जाय थाए तुम गोटे ओके ये भी गोटे पोडे केते बेले केमती देखिबो ओके देन ये होची कथा देन आमे 90 क्वेश्चन जेबा क्वेश्चन नंबर 90 एठी कोन कहा होची द फॉर्मेशन ऑफ ओजन होल द फॉर्मेशन ऑफ ओजन होल इन द अंटार्कटिक रीजन अच्छा अंटार्कटिक रीजन रे जो ओजन होल बा तुम्हारे हूँ छिद्र हो सब से जगह ओजन होल तो जदि देखिए अंटार्कटिक द फॉर्मेशन हाँ हेजबिन हूँ कज्ड कनसन तो ये बहुत भाव दरकार तो से पचारे रिजन कौन रोच मैंने ओजन होल हबार से जगह अंटार्कटिका ओके तो ये कथा पचारे कि नहीं तो जानते हो अंटार्कटिका बहुत थीन लेयरटा ठीक ना ना अंटार्कटिक जो अंटार्कटिका तुम रिजनटा देखिए थीन मानने लेयर रही है तो देखिए जी ये डैमेजा मेनली ये क्लोरीन तुम रही सीएल क्लोरीन आउ जो ब्रोमीन तो ये जिनस गुड़ा तो मेनली जब देख ओजन हेयर सब्सटेंस गुड़ा ना डिप्लेटिंग रो ठीक ना नहीं तो सही स्टाटोस्फीयर जहाँ भी तुम रहा तो सीटी कौन होता है तो सिंपली जो देख प्रेजेन्स ऑफ प्रोमिनेंट पोलार जो फ्रंट जहाँ भी रोचे एवं स्टाटोस्फेरिक जो तुम कौन क्लाउड गुड़ा किंबा तुम रोच इनफ्लो ऑफ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो ओब्वियसली ये देखिए जब ऑप्शन बीटा होचे आंसर आसीज ठीक क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो दैट इज रोचे इंपोर्टेंट आसीज ओके तो ऑप्शन बी आसीज ये पढ़ नेक्स्ट देन हो 91 आम देखा हो कौन दिखाई 91 में कही हुई वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ये हूँ करेक्ट एम भितर कौटा करेक्ट अच्छे से पचारि करेक्ट कौटा ओके तो फास्ट देखा द एनर्जी फ्लो इन दूसरे बायोस्फेरिक इकोसिस्टम इज यूनिट डायरेक्शनल ठीक अच्छे ये किसी तो भूल नहीं यूनिट डायरेक्शनल रही है ठीक ना नहीं सेकेंड पॉइंट आम तथा देखा द एनर्जी फ्लो इज दूसरे बायोस्फेरिक इज साइक्लिक साइक्लिकल केमती हम ये दैट इज रही है नॉन साइक्लिकल तुम नॉन साइक्लिकल कौन पर तो जाने नॉन साइक्लिकल है जो रिलेटिव लॉस ऑफ एनर्जी जहाँ भी रहा तुम जो नेचुरल इकोसिस्टम रिलेटिव लॉस ऑफ एनर्जी जो देखो सी हूँ बढ़ी जाए ठीक ना नहीं तो जितेबले भी ट्रॉपिकल लेवल को जितेबले से बढ़ी 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 गोटे ट्रॉपिक लेवल आ गए ट्रॉपिक लेवल जीव तो बढ़ी थाए जिनसा ठीक ना नॉन साइक्लिकल तो दैट इज ये हूँ सिंपली जानी थो तो स्पेसीस गुड़ा जितेबले भी तुम हायर ट्रॉफिक लेवल रही है तो से कौन होता है मुझे जी कह मोस्ट इफेक्टिवली जब एनर्जी क्या देखा तो कौन हम से तो ये हूँ केवी ऑप्शन नंबर भी सिंपल कथा देन रिलेटिव लॉस ऑफ एनर्जी इज हूँ नेचुरल इकोसिस्टम डिक्रीजेस देखी दे डिक्रीजेस विथ इन इनक्रीजिंग इन ट्रॉफिक लेवल ओके देन हूँ स्पेसीस हूँ प्रोग्रेसिवली हायर ट्रॉफिक लेवल एपेयर टू बी लेस एफिशिएंट यूजिंग द एनर्जी ये भी हेनी ओके देन हूँ ये देखा ऑप्शन नंबर ए विल बी मोर एप्रोप्रिएट आंसर देन 92 देखा तो आउ के अच्छे कंप्लीट हो ओके 92 इन ग्रासलैंड तो ये ग्रासलैंड कथा कहा हो ट्री डज नॉट रिप्लेस हो के भी ग्रास को रिप्लेस करना ओके ग्रासलैंड कह तृणभूमि देन एज ए पार्ट ऑफ हूँ इकोलॉजिकल सक्सेसन बिकॉज ऑफ कौन पर इकोलॉजिकल सक्सेसन जो सक्सेसन कौच या माने हूँ कौन इकोलॉजिकल सक्सेसन माने भी आम डिस्कस करूँ जे सिंपल प्रोसेसटा खाली गोटे कौन ये खाली पड़ा गोटे जमीटा धर खाली भूं टांगरा भूंटा तो यही भूं रे हूँ वन टाइप धीरे 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 तुम घास हुए किसी ये हुए पथर गोटे बेयर भूंरे हूँ धीरे धीरे ये गोटे कन्वर्ट होता है जंगल में सिंपल तो दैट इज योर प्रोसेस बाय हूँ वन टाइप ऑफ कह मिक्स टाइप ऑफ ये हूँ मिक्स टाइप ऑफ जो स्पेसीस गुड़ा हैबिटेंट मैंने ये एरिया जहाँ भी हूँ गोटे एरिया चेंजेस होता ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गोटे पीरियड ऑफ टाइम रे सब चेंजेस होता है तो ये हूँ एमती गोटे क्लाइमेक्स स्टेज रे पहुँची जब क्लाइमेट बा क्लाइमेक्स कह सरी क्लाइमेक्स गोटे वन टाइप ऑफ कम्युनिटी आसीज से भितर क्लाइमेक्स कम्युनिटी जंगल जैटा मुझे कहि तो ये आसीज जेटे फरेस्ट कहीपर तुम्हें तो यही स्टेज में पहुँची जब ओके तो दैट इज रोच इकोलॉजिकल सक्सेसन रे कनसेप्ट आउ किसी ना तो ट्रीटा के ट्रीटा के रिप्लेस कर ग्रासेस को
क्लियर। तो ग्रास ही रही घास ही रही कौन पाई करि परबो नै सिंपल कथा ग्रासटा जदि देखिबो ग्रास अपेक्षा जदि ट्रीटा देखिबो अधिक भी जल भी दरकार करिबो मोर वाटर ठीक ना नै तो वाटर स्कारसिटी रो भी गुटे प्रॉब्लम आसीबो वाटर स्कारसिटी बा अभाव जलर तो दैट इज रहुछ वाटर लिमिट एंड हुछ फायर कथा ओके ऑप्शन नंबर सी विल बी योर मोर एप्रोप्रिएट आंसर हियर ओके देन ग्रासलैंड कथा कहला देन 93 कौन कहु हुई वन ऑफ द हुई वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ये बेसिक क्वेश्चन रही है आज किसी नहीं जब देख ओसेन दिखाई ओसेन पर लेक ग्रासलैंड मैंग्रोव देन हो मैंग्रोव ओसेन ग्रासलैंड तुम हो लेक देन मैंग्रोव ग्रासलैंड लेक ओसेन ये आसीज देन ओसेन मैंग्रोव लेक ग्रासलैंड हेबन देन ऑप्शन नंबर सी ये आंसर आसीज जेहतु से कौन कहते देखो क्वेश्चन हो ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी कथार आई हाव क्लीयर होते ओके आ जब भी ना एनवायरमेंटर जो लेक्चर अच्छे दुई तीन टा ना पांचटा पाखापाखि अच्छे देख प्ले लिस्ट तो देखिपर से सब भी ओके देन 94 ये कौन कहुचे द अथर ऑफ द ग्रीन डेवलपमेंट तो ये बुकटा बोधे ग्रीन डेवलपमेंट अथरटा हूँ किए मानक भितर तो ये डब्ल्यू एम आदम्स हो तुम वन टाइप जो देख ग्रीन डेवलपमेंट अथर ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो 94 गला अच्छा ये ग्रीन डेवलपमेंट कनसेप्ट भी ना जान ग्रीन डेवलपमेंट कहले कौन ये हूँ रियल इस्टेट तुम डेवलपमेंट को मानने कनसेप्ट आकार ये कहु जेहतु ये ग्रीन डेवलपमेंट कह गए आकार सोशल आउ जो तुम देख एनवायरमेंटल ओके एनवायरमेंटल इंपैक्ट जो रही है तुम एनवायरमेंट प्रति डेवलपमेंट रे जिते माने सोशल आउचे माने एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ओके तो यही कथा नहीं ये बही बुरे थे किसी ना तो सिंपल भाषा ये हूँ कौन है तीन टा कैटेगरी कराई ये बुक जे वन टाइप जे एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल रेस्पोन्सिव मान रेस्पोन्सिवनेस जे भाई के भाया रही है और तुम जो रिसोर्स को जे भाई संबल जे गुड़ा कह रिसोर्स एफिशिएंसी केमती का आकार करहब आ गोटे हूँ तुम ये जे मैंने कौन जहाँ भी से पाखापाखि रोथे कम्युनिटी जे गुड़ा कहीपर कम्युनिटी और संस्कृति जे भाई संरक्षण कर संस्कृति कहले कौन कल्चरल जो सेनसीटिविटी जहाँ भी सब रही है तो ताको प्रिजर्वेशन उपरे ये बुक को ध्यान दिया दिखाई राइट तो विलियम बा डब्ल्यू एम आदम्स हूँ ये ग्रीन डेवलपमेंट अथर राइट देन हूँ आम जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिखाई है 95 ये कौन कहुच रायो हाँ रायो प्लस 20 जे रायो प्लस 20 ये रायो 20 कहले कन्फरेन्सटा कौनटा था रायो 20 कहले फास्ट आर्थ समित के तुम 1992 होता आर्थ समिट ओके तो आर्थ समिट थार जो 19 देखो 1992 प्लस 20 के तो दैट इज रोचे 2012 ओके तो यही जो 2012 जिते बड़े देख ये तुम यूनाइटेड नेशन जो कन्फरेन्स अन् कौन दिखाई ये हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ये दैट इज रोचे रायो 20 कहुए ठीक तो ये हूँ कथा तो जेहेतु 20 वर्ष हूँ तुम पर रही था तो ये जो होता रायो जेन एरिया जो होता तो ये कौन कराई है ये मानने वन टाइप जब देख डबल एक्शन कथा होता जे भाया आ तुम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भाया हम तो मिनिस्ट्रियल मीटा जस्ट भी होता है ये भूल कही हेनी ये भी मिनिस्ट्रियल मीटा होता जे कि ये डब्ल्यूटीओ लिखिदेज ओके तो ये भूल जीव तो कितु ये मिनिस्ट्रियल मीटा ओके तो ये हूँ ऑप्शन नंबर ए हूँ मोर एप्रोप्रिएट आंसर हेयर देन नेक्स्ट क्वेश्चन आम जी ये नेक्स्ट कौन कहुचे नेक्स्ट कहुच एग्रीकल्चरल जो मार्केटिंग फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स AMFFRI इज डेवलप्ड बाय द का द्वारा होता है तो ये हूँ नीति आयोग द्वारा होता है ओके ये जो डेवलप जे नीति आयोग द्वारा ये वन टाइप जब देख लॉन्च कर तो ये हूँ कौन ये जो तुम AMFFRI जो कहता है ये रिक्वयर करता है कौन डाइवर्स आप्रोच गोटे डाइवर्स आप्रोच नहीं था ओके तो किए भाया हूँ तुम वन टाइप अफ पार्टिकुलरली जो इनफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो मैंने ओके एवं फार्मर सहित किए भाई फार्मर जे प्रोड्यूसिंग करुच्चे जहाँ भी तो लिंकिंग भी कौन कौन थी ग्रुप मार्केट सहित ग्रुप लिंकिंग रिलेटेड थिला ओके ये हूँ ऑप्शन हूँ बी हो जो राइट आंसर नीति आयोग ओके देन 97 आउ दुटा तीन टा अच्छे 97 ये कौन कहुचे हाँ
सिग्मो सिग्मो गोटे हार्वेस्टिंग फेस्टिवलटा ओके तो ये फेस्टिवलटा से कहे सिंपली कौटी तुम हो पालन कराए हार्वेस्टिंग अमल टाइम वन टाइप पालन था तो देखिए रोचे गोआर हूँ रही था गोआर गोटे कम्युनिटा जे मैंने कि ये फेस्टिवल ट्राइबल कम्युनिटा जे गुड़ा के ये फेस्टिवलटा पालन करते ओके रईस आम जो यस कल्टिवेशन उपरे तो देन आम नेक्स्ट जावा नेक्स्ट कौन कहुच सिंपल देख 98 ये कौन कहुच भीमपेटका केव ओके तो क्वेश्चन नंबर 98 पढ़ कौन भीमपेटका भीमबेटका ओके भीमबेटका केव नियर भोपाल वेयर इन द न्यूज रिसेंटली थिला न्यूज रे तो कौन पाई थिला तो भीमबेटका केव कथा जी जान तो ये से आम पूर्व आलोचना करे ये जिनस कौन ना भीमबेटका केवटा जेटा कि प्रथम तुम जब देख आम यार्लीस्ट जो ट्रेसेस अफ ह्यूमन लाइफ कथ देखा भारत तो सहीटा रही है आईटा कौ पीरियड में इवेन तुम स्टोनेज कथा कहुचे रईट स्टार्टिंग से ही टाइम रोला आज जब एमती पीरियड कथा देखा पालेलिथिक मेसोलिथिक भी आसीज सेमती किसी ना जे चल ना तो से टाइम आसी आए हूँ इंपोर्टाट ये भीमपेटका जो तुम कैब कौ 2003 कौन पाई ये 2003 यूएनएस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भाव में घोषित होता रईट तो जो तार भीमबेटकार जो रॉक सेल्टर गुड़ा तो ये हूँ इंपोर्टेंट था इटी हूँ जो न्यूज्रे कौन पाई था ना न्यूज्रे गोटे ये फजिल मिली जो फजिल गुटा मिली डेटेड बैग डेट इज रोचे 550 मिलियन इयर एगर ओके तो ऑप्शन नंबर बी हूँ ये करेक्ट आंसर हो नेक्स्ट आम हो जा क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन नंबर 99 कौन कहुच किसी आसट दिखाई रिजन दिखाई ओके तो ये डायरेक्टली कहीदे आसट कौन कहुच देख सिंपल फास्ट एम फास्ट जो तुम फाइनेंशियल फाइनेंस कमिशन जी रही है ओके व्हाच कॉन्सेप्शन केबे होता सेटा ना 1952 रे होता 1952 रे होता अंडर कहार चेयरमैनशिप रहा केसी नियोगी हूँ चेयरमैनशिप रही तो प्रथम पॉइंट ठीक अच्छे राइट तो रीजन दिखाई किसी तो सेकेंड दिखाई 15th जो फाइनेंस कमिशन कथा कहु 15th FC फाइनेंस कमिशन इज द फास्ट एवर कमिशन टू हैव गिवन रिकमेंडेशन कौन उपर रिकमेंडेशन दे पीरियड ऑफ 6 इयर जेटा के 20 to 26 ये भी ठीक अच्छे किसी तो प्रोब्लेम नहीं ये भी ठीक अच्छे ठीक ना नहीं तो दुटा जाक ठीक अच्छे कि तो केवे सेम भूली तो दैट इज रही बी हम करेक्ट आंसर ओके नॉट द होचे एक्सप्लेनेशन रे राइट देन आम नेक्स्ट जावा नेक्स्ट कौन कहुच नेक्स्ट हूँ ये कहुचे ट्रूनेट ट्रूनेट मेसीनटा ट्रूनेट मेसीन जो कौच यहाँ हूँ से कहे रिसेंटली न्यूज देखाई है ये जिनसटा हो कौन टा तो ओब्वियसली ये हूँ कोविड भी तुम जी देख ये ट्यूबरक्लोसिस भी टेस्ट कराई था ओके व्यवहार कराई थे और HIV एड्स तुम ये टेस्ट कराई था मल्टीपर्पज मेसीनटा बेनिफिट जदि कह टर्मेट जो मेसीन रिम कह बेनिफिट बा एडभांटेज जदि कथ कह बेनिफिट तो कौन कौन ये ऑटोमेटिकली जब देख वन स्टेप प्रोसेस किसी प्रॉब्लम नहीं फास्ट कथा वन स्टेप प्रोसेस रे हबो जिनसटा ठीक ना नहीं पुणी एत कथ करुच्चे कहली गोटे मानने से HIV टेस्ट हेपाटाइटिस भी आहरी करे ये तो लिखनी हेपाटाइटिस कथा भी आहरी करे सी रे ठीक ना नहीं तो हाई सेनसीटिविटी आज स्पेसीफिक ओरिएंटेड मेसीन तो बहुत फास्ट भी रही था तो ये हूँ कथ रही ऑप्शन नंबर डी आसीज ये मोर आप्रोप्रिएट आंसर ओके तो आई होप हूँ आम हो डिस्कस कर सारे जहाँ भी रही है रिमेनिंग क्वेश्चन गुड़ा रईट तो ठीक अच्छे जब वीडियो भल लगे निज सांग सहित शेयर करूँ और चैनल को जब फर्स्ट टाइम विजिट करते सब्सक्राइब करने भूलें नहीं ओके थैंक्स फॉर वाचिंग।